आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो के मूल है तथा गामा डेल्टा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस दो गुणे ए प्लस वन गुणे एक्स प्लस ए गुणे ए माइनस वन बराबर जीरो के मूल इस प्रकार है कि अल्फा बीटा हमारा गामा और डेल्टा के बीच में है, बिलोंग करता है, तो एक है ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट से हम मान लेते हैं कि जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसको हम जी एक्स मान लेते हैं इस वाले समीकरण को। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये बराबर कितना है, जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में, ठीक है, और ए स्क्वायर को इधर लेके चले जाएं तो ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो एक्स माइनस वन बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए। ठीक है, दोनों तरफ का अगर वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा ए ए प्लस माइनस ए आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एक मूल अल्फा होगा वो क्या होगा, वन प्लस ए या वन माइनस ए कुछ भी मान ले, और बीटा बराबर क्या होगा, वन माइनस ए या वन प्लस ए कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे जो दूसरी समीकरण दी हुई है ये, इसके मूल क्या है, इसके मूल है गामा डेल्टा। तो गामा डेल्टा है, तो एक बार अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा दूसरे वाले द्विघात समीकरण का ग्राफ। ठीक है, जिसके मूल क्या होंगे, गामा और डेल्टा होंगे, और दूसरे में क्या बोला गया कि जी एक्स के हमारे जो मूल है पहले वाले द्विघात समीकरण के, वो अल्फा बीटा है जो कि इनके बीच में है। तो यहां से जाहिर सी बात है, अगर दूसरे वाले समीकरण को हम एफ एक्स बोल दें तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर हमारा है, एफ एक्स बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस दो गुणे ए प्लस वन गुणे एक्स प्लस ए गुणे ए प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये तो दिया ए गुणे ए माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो एफ ऑफ अल्फा भी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा ग्राफ से देखें, और एफ ऑफ बीटा हमारा जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा ऋणात्मक होगा। तो चलिए दोनों का मान रख के दोनों का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। तो एफ ऑफ अल्फा अगर इसमें रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस दो गुणे ए प्लस वन गुणे अल्फा प्लस ए गुणे ए माइनस वन का जो मान होगा वो छोटा होगा जीरो से, और अल्फा का मान भी हमें पता है, अल्फा का मान है कितना, वन प्लस ए। तो वन प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक, माइनस अल्फा का मान कितना है, ए प्लस वन, तो यहाँ पर भी ए प्लस वन का होल स्क्वायर, तो दो गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए छोटा होगा जीरो से। तो और अधिक हल करें इसको, तो यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस दो स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस दो, और यहाँ पे प्लस वन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार ए, और यहाँ पे प्लस दो ए, तो कितना बचेगा, माइनस दो ए, और माइनस ए पहले से ही, तो कितना आ जाएगा, माइनस का तीन ए आ जाएगा, माइनस का तीन ए छोटा होगा जीरो से। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि तीन ए जो होगा वो हमारा बड़ा होगा माइनस एक से, और ए जो होगा वो बड़ा होगा हमारा माइनस एक बटे तीन से। ठीक है, तो ए की हमारी रेंज क्या हो जाएगी, ए ए बिलोंग करेगा कहाँ से, ए बिलोंग करेगा हमारा माइनस एक बटे तीन से अनंत तक। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एफ ऑफ बीटा रखेंगे, मतलब एफ ऑफ बीटा रखेंगे, बीटा मतलब कितना हो गया, वन माइनस ए रखेंगे, तो रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस दो। ठीक है, कितना है, माइनस दो, तो गुणे ए प्लस वन गुणे बीटा प्लस ए गुणे ए माइनस वन, जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ बीटा भी, तो ये बीटा क्या है, वन माइनस ए, तो वन माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए। ठीक है, माइनस यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, ये ए प्लस वन और ये हो जाएगा हमारा वन माइनस ए, और दो पहले से ही है, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए छोटा होना चाहिए जीरो से। अगली लाइन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर माइनस दो ए। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, और माइनस ए का स्क्वायर तो प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि दो था तो यहाँ पे दो आएगा,
और यहाँ पर भी हमारा 2a² आएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए छोटा होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो यहाँ से 2a² प्लस का और ये a² ए स्क्वायर, तो कितना आ गया टोटल 4a², ठीक है। यहाँ पे माइनस 2a, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए, तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 3a, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 लेस देन होना चाहिए 0 से। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4, तो 4a² और माइनस 4 लाना है, तो माइनस, ठीक है, 4a प्लस a माइनस 1 लेस देन होना चाहिए 0, ठीक है। तो यहाँ से हम 4a कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, a माइनस 1 प्लस यहाँ पे भी क्या है, a माइनस 1 छोटा होना चाहिए 0 से, तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस 1 गुणे 4a प्लस 1 छोटा होना चाहिए 0। यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा a माइनस 1 और ये आ जाएगा a प्लस 1 बटे 4 छोटा होना चाहिए 0 से। तो a का जो रेंज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, a का रेंज आ जाएगा, a बिलोंग्स करेगा हमारा माइनस 1 बटे 4 से 1 के बीच में। तो एक संख्या रहेगा खींचे अगर, तो ये हो गया संख्या रेखा, तो माइनस 1 बटे 4, ठीक है, 1, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें a का माइनस 1 बटे 3 से इनफाइनाइट, तो ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस 1 बटे 3 और इधर अनंत। तो पहला इक्वेशन एक कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और इक्वेशन दो कह रहा है कि हमारा इसके और इसके बीच में होना चाहिए, तो हमारा कॉमन पार्ट कितना आ गया ये, ठीक है। तो हमारा a क्या होगा, हमारा a जो होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, सॉरी ये कितना होना चाहिए 1/4, ठीक है, तो माइनस, सॉरी ये खुला अंतराल होगा, ठीक है, ये खुला अंतराल माइनस 1/4 से 1 तक, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।